फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत खास लेसन और एक बिल्कुल नया टॉपिक जो कि पहली बार मैं यूट्यूब पर पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये तो जानते हैं कि इंटेंड टू क्या है और वो इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इंटेंट ऑन क्या है, जबकि दोनों का मीनिंग सेम होता है। यानी इंटेंट टू और इंटेंट ऑन दोनों मतलब इरादा होना। तो फिर दोनों में क्या फर्क है? और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट बॉक्स में ये पूछा है कि इंटेंट ऑन क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इंटेंट टू और इंटेंट ऑन दोनों का मीनिंग होता है इरादा होना या मकसद होना। इन दोनों के मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में फर्क है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, इंटेंट एक वर्ब है और जब इरादा होना या मकसद होने के लिए हम इंटेंट का इस्तेमाल करेंगे तो हम टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारा सेंटेंस जिस टेंस में होगा उस टेंस के अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन अगर हम बात इंटेंट की करें तो इंटेंट एक एडजेक्टिव है जो टू बी फॉर्म के साथ आएगा। यानी अगर आप इरादा होना या मकसद होने के लिए इंटेंट ऑन का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको टेंस के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपके सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप इजारन के साथ इंटेंट ऑन प्लस जीरंड का इस्तेमाल करेंगे, यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका सेंटेंस गुजरा हुआ है तो आप वॉचवर के साथ इंटेंट ऑन प्लस जीरंड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में है तो आप शैल बी या विल बी के साथ इंटेंट ऑन प्लस जीरंड का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने फर्क समझा कि इन दोनों का मीनिंग एक ही है। अगर इंटेंट का आपको इस्तेमाल करना है तो टेंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जो थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप इंटेंट ऑन का इस्तेमाल करेंगे तो ये थोड़ा इजियर है। प्रेजेंट के लिए इजारम प्लस इंटेंट ऑन आईएनजी फॉर्म, या पास्ट के लिए वॉचवर इंटेंट ऑन प्लस आईएनजी फॉर्म, या फ्यूचर के लिए शैल बी या विल बी इंटेंट ऑन प्लस आईएनजी फॉर्म। आइए फ्रेंड्स, इस बात को एग्जांपल में समझे ताकि आप आसानी से इसे समझ सके। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, उसका इरादा मुझे मारना है। तो इस सेंटेंस को आप दोनों टॉपिक के मदद से बोल सकते हैं। जैसे अगर हम इंटेंट ऑन का इस्तेमाल करेंगे तो हम ऐसे कहेंगे, ही इज इंटेंट ऑन किलिंग मी। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि मैंने इंटेंट ऑन का इस्तेमाल किया, इसीलिए मैंने यहाँ पर टू बी फॉर्म का इस्तेमाल किया जो है इज। यहाँ पर आप एक बात और याद रखेंगे कि इंटेंट ऑन के साथ कोई जीरंड लिखना होगा, यानी वर्ब में आईएनजी फॉर्म लिखना होगा। लेकिन अगर हम बात इंटेंड टू की करें तो आप कहेंगे, ही इंटेंड्स टू किल मी, और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जैसा कि आप यहाँ पर एस देख सकते हैं, और आपको पता है कि जब आपका सब्जेक्ट ही शीट हो, यानी कोई थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, तो वर्ब में एस या एस लिखा जाता है। ये बात मैंने आपको पार्ट 6 में अच्छा से सिखाया। बाय द वे फ्रेंड्स, अगर ये सेंटेंस पास्ट में हो, जैसे उसका इरादा मुझे मारना था, अगर यहाँ पर लिखा हो था, तो इस सेंटेंस को आप ऐसे बोलेंगे, ही वॉज इंटेंड ऑन किलिंग मी। यानी पास्ट के लिए आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे अगर आपने इंटेंट ऑन का इस्तेमाल किया है तो। अगर आप इंटेंट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंटेंट का सेकेंड फॉर्म लिखना होगा जो होता है इंटेंडेड। आप कहेंगे, ही इंटेंडेड टू किल मी, यानी ये हुआ आपका सब्जेक्ट और ये हुआ आपका सेकेंड फॉर्म। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इंटेंड टू या इंटेंट ऑन प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल समझ में आ रहा है। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ। मेरे कहने का इरादा है या मेरे कहने का मकसद है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, आई एम इंटेंट ऑन सेइंग दिस। यानी अगर आप इंटेंट का इस्तेमाल करेंगे तो आप टू बी फॉर्म के साथ जीरंड का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने किया हुआ है। मैंने लिखा एम, उसके बाद इंटेंट ऑन प्लस आईएनजी फॉर्म। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इंटेंट के मदद से भी बोल सकते हैं, जैसे आई इंटेंड टू से दिस। बाय द वे फ्रेंड्स, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में हो, जैसे मेरे कहने का इरादा था, तो अगर आपके सेंटेंस पास्ट में हो तो आप कहेंगे, आई वॉज इंटेंट ऑन सेइंग दिस। यानी अगर आप इंटेंट का इस्तेमाल करेंगे तो आप पास्ट में वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम बात इंटेंट की करें तो अगर आप इंटेंट वाले सेंटेंस में वॉचवर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है ताकि मैं आपको ये बात समझा सकूं कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है और आप उसे इंटेंट टू के इस्तेमाल से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो फिर आप वॉज या वर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप इंटेंडेड टू का इस्तेमाल करेंगे। आप इंटेंड का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। आइए फ्रेंड्स, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
मुझे आपको तकलीफ देने का इरादा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को आप दोनों टॉपिक के मदद से ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए इस बात को एग्जांपल में समझें। अगर हम बात इंटेंट की करें तो आप कहेंगे आई एम नॉट इंटेंट ऑन हर्टिंग यू। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को इंटेंट की मदद से भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटेंट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको टेंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, आई डू नॉट इंटेंड टू हर्ट यू। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चाहे आप इंटेंट ऑन का इस्तेमाल करें या इंटेंड टू का, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इंटेंट एक वर्ब है और अगर आप इंटेंट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको टेंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप टेंस के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप इंटेंट का इस्तेमाल करें, जो कि प्रेजेंट में इजारम के साथ और पास्ट में वॉज वर्ब के साथ और फ्यूचर में शैल बी विल बी के साथ आप इंटेंट ऑन प्लस जीरेंड का इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इंटेंड टू और इंटेंट ऑन प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।